देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। यमुनानगर के ऐतिहासिक कपाल मोचन मेले में कार्तिक पूर्णिमा पर हर साल लाखों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। कपाल मोचन से 5 किलोमीटर दूर गांव संधाई में एक जगह ऐसी भी है जहां जूतों का मेला लगता है, यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से श्रद्धालु यहां सिर्फ इस किले को जूते मारने के लिए आते हैं। कपाल मोचन मेले में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु यहां जरूर आते हैं और इस ध्वस्त और मिट्टी में दबे किले पर जूते मारते हैं। लोग एक दुर्जन राजा को उसके किए की सजा जूते मारकर देते हैं। वो राजा था महाभारत कालीन जरासंध, जिसका वध भीम ने किया था। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। चप्पल मार देसी जय राजा मन के डोली होके घेर दसी का घेर दसी राजा गलती कर दे ताने मार महिलाओं के साथ। हाँ जी गलत काम। हाँ जी यहाँ पे ए राजे ने अपना डोला जा रहा थी, डोला लुटिया थी, डोला लुटिया ते फिर वो जड़ी समझो ब्योली कुड़ी थी, फिर वो सती हो गई थी। इनू कहंदी भी तेरे रोड़े बजिया करनगे भी तां मैनू समझो करया लुट मार के। हां भी मेरी ता लुट मार करी भी तू मेरे ते जबरदस्त हो कर है, फिर वो सती हो गई, फिर डोले तेरे रोड़े बजिया करनगे। आउंदे जांदे हुण रोड़े मार के जांदे ने, ए ओदी भी बुरे हालत होई करे जी रोड़े मार के। कई साल हो गए। सतिया पूरी कर दी, सती थी फिर छोड़ो क्या छोटी जी गल, सती होगी थी वो निकला फिर विराज तो होकर आया थी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।